आज के इस छोटे से वीडियो में आपको 28 टिप एक साथ देखने के लिए मिलेंगी, तो इसके लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, जब हमें जल्दी होती है या फिर हमें गैस बचानी है, क्योंकि इस तरह से गैस ज़्यादा खत्म होती है जब हम अलग अलग उबालते हैं, तो आप इस तरह से चावल जब बनने रखें और मटर उबालने, तो आप इस तरह से चावल और मटर को एक साथ ही उबाल सकते हैं, जिससे गैस भी बचत होगी, समय भी बचत होगा। और इसके अलावा छाता जो है ना, वो हम लोग जब भी यूज करते हैं, तो फिर कभी कभी क्या होता है, इनके ये थोड़े समय यूज करने के बाद इनके जो चिपकाने वाले होते हैं, जिससे वो खराब हो जाते हैं, जिससे कि वो इकट्ठे नहीं रहते, यानी कि फैले रहते हैं। यदि हम टांगते हैं तो भी फैल जाते हैं, बिखरे से रखते हैं या फिर हम रखते हैं तो भी हो जाते हैं। तो आप इस तरह से कोई से भी पुरानी रबर बैंड है, उसे इस तरह से चढ़ा दीजिएगा, जिससे बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं। इसके अलावा अभी जो है ना, वो मौसम चेंज हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि हमारे झाड़ू और पोछा जो है ना, कम से कम समय में हो जाए, या फिर हमारा घर कम गंदा है, हम जल्दी से साफ करने लगे। तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, आपके पास कोई पुराने मोजे हो, उन्हें थोड़े से पानी में आप लोग हल्के से नम कर लीजिएगा, और उसके बाद आप अपने वाइपर पे दोनों मोजे जो है ना, दोनों साइड में चढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद आप एक ही साथ में बिना देरी के बहुत इजी से आप कर सकेंगे झाड़ू और पोछा, क्योंकि इसके बाद आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी से आपके झाड़ू और पोछा एक ही साथ में हो जाता बढ़ते है। हैं आज के नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे घर में बहुत सारी इस तरह की लेगिंग्स पड़ी होती हैं, जो कि हम लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन दिवाली आने वाली है, तो हम लोग इसकी हेल्प से बहुत ही बढ़िया सा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजर बनाने वाले हैं, जो बिल्कुल एक मिनट में बन के रेडी हो जाएगा, और इसके बाद आप मार्केट से बिल्कुल भी खरीद के नहीं लाएंगे, क्योंकि मार्केट में ये 50 रुपये का, कम से कम 50 रुपये का आराम से आएगा। तो आप इस तरह से काट लीजिएगा जो भी आपके पास हो, उसके बाद एक डंडा ले लीजिएगा, उसके ऊपर आप इस तरह से लपेट लीजिएगा अच्छे से, एक के ऊपर एक, बस आपको पास पास में लपेटना है, जिससे इसकी जो मतलब क्या कहते हैं, पास पास बने रहें, जिससे कि ये अच्छे से वर्क कर सके। उसके बाद लास्ट में हम लोग टाई कर देंगे, जिससे कि ये खुले ना। इसके बाद हमारा ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है, इससे आप खिड़की के जाले वगैरह, डस्टिंग या कहीं भी है, बहुत आराम से कर सकते हो। इसके अलावा यदि ऐसी जगह पर रेंटल अपार्टमेंट में रह रहे हैं या अपने घर में ही रह रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनाइजर नहीं है, जिससे कि हम अपने कपड़े को अच्छे तरीके से अरेंज करके रख सकें, या फिर हमारे सारे कपड़े फैले फैले से रखते हैं, तो आप इस तरह से एक कोई भी पुराने दुपट्टे को बीच से इस तरह से 3-4 जगह पर सिल लीजिएगा, और उसके बाद में आप इस तरह से अपना ऑर्गेनाइजर बना सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, कभी कभी हम लोग रोटी बना रहे होते हैं और हमें जल्दी में चिमटा नहीं मिलता है, तो आप इस तरह से जो बर्तन पकड़ने वाला चिमटा होता है ना, इसकी हेल्प से बहुत ईजी से रोटी सेक सकते हो, जिससे कि एक दो रोटी आप आराम से, एक दो नहीं, आप जितनी चाहे उतनी सेक सकते हो। डियर फ्रेंड्स, अभी जो है ना, वो मार्केट में सेब काफी मात्रा में आ रहे हैं, और यदि हम इन्हें फ्रिज में रख रहे हैं तो ठंडे सेब है, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है, जो हमें नुकसान करते हैं ठंडे सेब खाने से। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से डलिया में रख के पेपर में रख दीजिए, जिससे खराब नहीं होंगे, ठंडे भी नहीं खाने पड़ेंगे, और लंबे समय तक आपके सेफ बने रहेंगे। और इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों को कहीं जाना है, या फिर हम क्या किया है, हमने एक तरह की लिपस्टिक का सेट लगा के रखा है, और हम चाहते हैं हल्का लगाएं, या फिर हमें क्या है ना, वो वाला सेट नहीं चाहिए, हमें दूसरा चाहिए, तो हम साफ करते हैं, और हमारे पास जो ये हटाने वाला होता है, यानी कि लिपस्टिक रिमूवर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, कैसे हटाएं जिससे बहुत तेजी से हट जाए, क्योंकि नॉर्मल तरीके से यदि हम हटाते हैं तो हमारा पूरा मुंह गंदा हो जाता है, हमारा मतलब एकदम से फैल जाता है। तो आप इस तरह से नारियल तेल के यूज से आप बहुत तेजी से हटा लेंगे, जैसे ही आप डालेंगे अपने आप हट जाएगा, बिल्कुल भी आपको रगड़ना नहीं पड़ेगा, आप देख पा रहे होंगे ना। और इस तरह के खाली जो डिब्बे होते हैं ना, जिनमें हम लोग ब्रश वगैरह लेके आते हैं, ये हमारे खाली ऐसे ही पड़े ही रहते हैं, तो आप इस तरह से इसमें आपके पास जो भी चीजें ऑर्गेनाइज करने की हो, इस तरह से पेंसिल वगैरह, वो आप इन्हें इस तरह से भर के रख सकते हो, अपने बच्चे को भी दे सकते हो स्कूल ले जाने के लिए। अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह की बहुत सारी पॉलीथीन हमारे घर में अवेलेबल होती है, और इस तरह से हम लोग इन्हें बेकार समझ के फेंक ही देते हैं, क्योंकि इनका कोई भी काम नहीं होता, लेकिन पन्नी कभी कभी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, और हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हमें अरेंज करना होता है। तो हम आज इसे बहुत ही सिंपल ढंग से, बहुत ही इजी वे में बनाने वाले हैं, और हाँ, इन सारे टिप्स का जो फुल वीडियो है ना, वो हमारे चैनल पे पड़े हुए, आप वहाँ जाके देख सकते हो इस तरह से। और इसमें मैंने पुराने कार्डबोर्ड्स यूज किए हैं, जो कि हमारे घर में सूट या फिर साड़ी जब हम लोग लेके आते हैं ना, तो उनके साथ मिलके मतलब हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है, और आप इसमें चाहे तो अपने हैंड बैग्स या फिर जो भी आपका मेकअप का सामान है, आप इस तरह से जो भी चीज़ें अरेंज करके रखना चाहें, बहुत ईजी से रख जाते हैं, और बहुत अच्छा दिख रहा है, वास्तव में वर्क करता है। इसके अलावा मौसम हो चुका है चेंज, या फिर हमारे घर में कहीं पे नमी होती है, तो इस तरह से झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू नमी की वजह से खराब हो जाती है, बदबू जैसी आने लगती है, या फिर नमी को सुखा मतलब हटाने के लिए हम धूप नहीं दिखा सकते, तो आप इस तरह से कोई सा भी पुराना एक्सपायर पाउडर हो ना, उसे छिड़क दीजिए, जिससे कि बदबू भी नहीं आएगी और नमी भी चली जाएगी, और हमारी झाड़ू जो ना, वो सही बनी रहेगी, जल्दी खराब नहीं होगी। इसके अलावा
कभी कभी डियर फ्रेंड्स क्या होता है, हम लोग रोटी कभी नहीं, हम लोग रोज रोटी बनाते हैं, उसके बाद जो हमारा आटा बर्तन वाला बच जाता है ना उसमें नमी होती है, और डायरेक्ट आटा यदि हम लोग कंटेनर में रख देते हैं जिससे कि नमी की वजह से हमारा सारा आटा खराब हो जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी आप रोटी बनाइएगा तो हमारा तवा गर्म होता है, तो आप रोटी बनाने के बाद जो हमारा बर्तन है ना वो तवे पर डाल दीजिएगा, जिससे गर्म गर्म हो जाएगा, जिससे कि उसके बाद हम कंटेनर में रखेंगे तो हमारा आटा पूरा खराब नहीं होगा। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी हमें कैंडल जलाना होता है, इस तरह से लगाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप इस तरह से यदि आप दिए में या फिर किसी चीज़ में लगा लेंगे, जिससे कि आपको जहाँ भी रखना है बहुत ईजी से आप उठा के रख सकते हो, बिल्कुल भी मतलब देर नहीं लगेगी। इसके अलावा हमारे पास इस तरह से बहुत सारी पॉलीथीन पड़ी होती है, तो आप क्या कीजिएगा, पॉलीथीन में इस तरह से आप निशान लगा लीजिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, गर्म चाकू की हेल्प से इसमें लगा देना है कट, जिससे कि ये बिल्कुल कट जाएगा। उसके बाद ये हमारा बिल्कुल फ्री में बन के रेडी हो चुका है हैंड ग्लव्स, जो कि हम लोग मार्केट में लेने जाते हैं तो कुछ ना कुछ पैसों का आता ही है। और इसके बाद आपको कोई भी जो भी क्लीनिंग वगैरह करनी है ना, जिससे कि बहुत ईजी से हो जाती है, कभी कभी हार्पिक वगैरह से करनी होती है तो फिर एलर्जी नहीं होगी। इसके अलावा हम यदि कहीं अपने घर के बाहर जा रहे हैं तो फिर आप इस तरह से अपने बहुत सारे ब्रश वगैरह इसमें अरेंज करके रख सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगे, यानी कि इनके टूथ ब्रश बिल्कुल मिक्स नहीं होंगे। अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। और इसके अलावा कई सारी पन्नी इस तरह की भी होती है, बहुत सारी होती है, तो इसका सेकेंड यूज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से मशीन में इसमें कर लीजिएगा थोड़े थोड़े कैपिंग पे स्टिचिंग, और उसके बाद इसके बन जाएंगे छोटे छोटे से पॉकेट जैसे, जो कि अभी आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें आप अपनी तरह से सारी चीज़ें अरेंज करके रख सकते हो, जैसे कि आप जो भी चीज़ें अरेंज करके रखना चाहें बहुत ईजी से रख जाती हैं और बहुत अच्छी दिखती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे बिंदी है वगैरह, हमें कौन सी चाहिए, क्या चीज़ हमें चाहिए, सारी चीज़ें आप एक जगह पे रख सकते हो। तो फिर अच्छा लगा हो तो फिर ये इसके लिए भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है। इसके अलावा हमारे घर में बहुत सारे ताले ऐसे होते हैं, ताले यूज़ करते ही हैं हम लोग बहुत सारे नहीं, लेकिन कोई कोई ताला ऐसा होता है जिसमें चाबी जो ना वो अटकने लगती है, यानी जब भी हम चाबी लगाते हैं तो चाबी एकदम अटक जाती है, या फिर जब भी हम लोग दबाते हैं ऐसे तो सही से दबता नहीं, यानी प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता। तो आप क्या कीजिएगा, आपके पास जो भी मशीन ऑयल है ना आप वो इसमें डाल दीजिए, यदि मशीन ऑयल नहीं है तो फिर आप सरसों का तेल जो है ना वो इसमें आप डाल सकते हो। और डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको चाबी की हेल्प से 4-6 बार इसे खोलना है, बंद करना है, जिससे कि इसकी जो झड़ अटक रही थी, जिससे वो लग नहीं रहा था, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, वो बहुत अच्छे से वर्क करने लगेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा परेशानी दूर हो गई। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एजीज होते हैं, जिनके नाखून जो ना एजीज होने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, और जब हम उन्हें काटते हैं नेल कटर से तो बहुत ईजी से नहीं कटता है, क्योंकि नेल कटर भी ज़्यादा मोटे जो होते हैं ना, ज़्यादा हार्ड नाखून, उन पर वर्क नहीं करता। तो आप जब भी काटें तो आप क्या कीजिएगा, नाखून में आप हल्का सा पानी लगा लें, उसके बाद बहुत ईजी से कट जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी हम लोग क्या होता है, बहुत सारी हींग एक साथ में लेके आ जाते हैं, जिससे कि वो जब वो यूज करते हैं एक ही डिबिया में करते रहते हैं तो उसकी महक निकल के बेकार हो जाती है। तो आप क्या कीजिएगा, उन्हें दो अलग अलग डिबिया में करके रख लीजिए, एक में थोड़ी रखिएगा, उसी से यूज करते रहिएगा, और जब उसमें खत्म हो जाए तो ज्यादा वाले में से कम कम कर लीजिएगा, जिससे कि उसकी जो स्मेल है ना वो जल्दी जल्दी खुलेगी नहीं, तो जल्दी जल्दी वो नहीं जाएगी, और लंबे समय तक उसकी फ्रिक्वेंस वैसी की वैसी बनी रहेगी, और आप लंबे समय तक इसका बहुत अच्छे से यूज कर इसके पाएंगे। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग अपने घरों में नहाने वाले साबुन यूज़ करते ही हैं, और क्या होता है, इनके रैपर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हमारे किसी काम के नहीं होते, इसलिए हम इन्हें फेंक देते हैं। लेकिन आज हम इसका एक बहुत ही बढ़िया सा यूज आप लोगों को बताने वाले हैं, क्योंकि ये रैपर जो ना ये बहुत ही बढ़िया है ऐसे काम के लिए जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, अभी आपने इससे पहले सोचा भी नहीं होगा। तो आप क्या कीजिएगा, एक डबल साइडेड टेप ले लीजिएगा, और डबल साइडेड टेप लेकर के आपको लगा देना है इस रैपर के ऊपर, जी हाँ, और इसके बाद इसका हम लोग यूज करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जब भी कॉम्ब करते हैं तो हमारे बाल इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम इन्हें प्रॉपर ढंग से इन्हें डस्टबिन में डाल सकें। तो आप कॉम्ब कीजिए, इसमें रख दीजिए, जब आपको टाइम मिले तब आप इसमें से निकाल के ईजी से आप डस्टबिन में डाल सकते हैं, जिससे कि आपके बाल पूरे घर में बिखरे नहीं दिखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे पास चश्मे के कई सारे बॉक्स, खाली बॉक्स ऐसे पड़े होते हैं, तो आप इस तरह से बहुत सारी चीज़ें अपनी इसमें अरेंज करके रख सकते हो। खाली हमारी जो बोतल होती है मेडिसिन यानी कि दवाई की, वो हमारी ख़राब हो जाती है तो फिर ये हम फेंक ही देते हैं, क्योंकि इतनी छोटी बोतलों का कोई भी यूज नहीं होता। लेकिन इसका बहुत ही बढ़िया सा यूज मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले, तो उसके लिए मैंने चारों एक साइज की ले ली है, यदि आपके पास एक साइज की नहीं है तो आप अलग अलग भी ले सकते हो। उसके अलावा लेने के बाद मैंने इसे चारों को काट लिया है बीच से,
आप जैसा देख पा रहे हो, बस आप पुराने चाकू का यूज कीजिएगा, नए चाकू से मत काटिएगा क्योंकि चाकू भी खराब हो जाता है। तो आप इसका हम लोग यूज क्या करेंगे, मैंने चारों काट लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो गैस होती है ना, जब भी हम काम करते हैं तो इधर आगे पीछे करते हैं तो बहुत गंदे तरीके से आवाज करती है। इसके अलावा इसके जो पैर होते हैं ना, वो घिस जाते हैं बार बार खींचने से, आवाज करने से। यदि कोई हमारे घर में मेहमान वगैरह आया ना, तो भी बहुत ज्यादा आवाज करता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस तरह से चारों फंसा दीजिएगा, उसके बाद आप कितना भी खींचिएगा बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे, और इसके मजबूत जो पाए है ना, वो भी मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि नीचे जो घिसेगा तो भी बोतल ही घिसेगी, पैर नहीं घिसेंगे। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, चश्मा हम सब लोग अपने घरों में यूज करते हैं, लेकिन लंबे समय यूज करने के बाद इनके ऊपर आ जाते हैं स्क्रेचेज, जो कि अच्छे नहीं लगते। तो आप क्या कीजिएगा, आपके पास नारियल तेल है तो आप एक एक बूंद नारियल तेल डाल करके इसे आप कॉटन के हेल्प से रगड़ दीजिएगा, क्योंकि हम लोग वैसे नॉर्मल जब हमारे पास कपड़ा नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कपड़ों से ही साफ कर देते हैं, इसकी वजह से ही स्क्रेचेस आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने खाली बोतलों का यूज किया ही था, लेकिन उसका जो बचा हुआ पार्ट है ना, इसका भी हम लोग यूज बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। तो कई बार हम लोग इस तरह से मार्केट से लेके आते हैं, बट हमारे पास डिब्बे कंटेनर नहीं है, लेकिन हमारे ऐसे ही रखे रहते हैं, तो ये हमारे जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आप इस तरह से फंसा के बोतल में रख दीजिएगा, जिससे ये बिल्कुल एयर टाइट की तरह रहेंगे, और आपको जब भी चाहिए, जितनी चाहिए, आप बहुत ही जी से इसमें खोल के निकाल सकते हो। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, चना एक ऐसी चीज़ है जो थोड़े समय में ही हमारी ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसमें रूनी जैसी हो जाती है, यानी कि कहें तो चिड़िया हो जाती है। तो आप क्या कीजिएगा, इसे लंबे समय तक यदि आपको सुरक्षित रखना है, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल, और हाथ पे लेके आपको इस सारे चनों में अच्छे से लगा देना है, और इसके बाद आप इसे डिब्बे में भर के रख सकते हो, एयर टाइट डिब्बे में, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। हाँ, आप लाने के बाद जब मार्केट से लाएं, तो उसके बाद में आप इसे धूप जरूर दिखा दें, तो भी जल्दी खराब नहीं होते, लेकिन फिलहाल धूप दिखाने के बाद यदि आप तेल लगाओगे तो बिल्कुल खराब नहीं होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कई सारे पुराने तकिया कवर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो आज हम इनका करेंगे बहुत ही बढ़िया सा वेस्ट यूज। तो हमारे पास जो इस तरह की पन्नी होती है ना, वो पन्नी हमें डाल लेनी तकिए के ऊपर, और जब भी हम लोग किचन में अपने बर्तन वगैरह वॉश करते हैं ना, उन्हें बर्तन को वॉश करके आप इस तरह से रख सकते हैं, जिससे कि हमारी स्लेब बिल्कुल भी गीली नहीं रहेगी। जब बर्तन हमारे सूख जाए, तो आप उसे अच्छे से अरेंज करके रख सकते हो। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम लोग रोटी बनाते हैं, तो कभी कभी आटा बच जाता है और ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं, तो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, इसके ऊपर काली काली सी पपड़ी जम जाती है, जिससे कि रोटी बनाना इजी नहीं होता। तो आप जब भी आपको आटा बचा हुआ रखना हो, तो आप एक एयर टाइट टिफिन में करके रखें, तो जब भी आप इसे उसके बाद निकालेंगे फ्रिज के बाहर, तो ना तो ये हार्ड होगा, ना तो इसके ऊपर पपड़ी जमेगी, और ना ही ये लाल लाल सा दिखेगा। तो आप इसके बाद बहुत ईजी से इसकी रोटी वगैरह जो भी चाहें बना सकते हो आराम से। तो कई बार माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है, हम लोग चाय सब लोग अपने घरों में बनाते हैं, लेकिन चाय की बत्ती बच जाती है, तो इसका एक बहुत ही बढ़िया सा यूज आज हम लोग करने वाले हैं। तो आपको क्या करना, जो आपकी चाय की पत्तियों से एक बार धो के गर्म पानी में डाल के अच्छे से खौला लेना है, उसके बाद आपका गर्म पानी छान लेना है, और जो हमारे पास चांदी की जो पायलें होती है ना, इन्हें आपको इसमें डाल देना है 10-15 मिनट, जब तक पड़ी रहने दें, जब तक ये ठंडा ना हो जाए, उसके बाद कोलगेट की हेल्प से साफ कर लें, बहुत अच्छी सी साफ हो जाती है कम से कम मेहनत में। माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि नमी पकड़ने की वजह से हमारा जो गैस जलाने वाला लाइटर होता है ना, ये काम करना बंद हो जाता है, और यदि हम कहीं ऐसी जगह पर रह रहे जहाँ पे हम धूप में नहीं रह सकते, तो अब इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी हम लोग खाना बना लेते हैं ना, तो उसका गैस बर्नर काफ़ी देर तक गर्म रहता है, यानी कि उसमें बहुत अच्छी हीट आती रहती है। तो आप क्या कीजिएगा, आपका लाइटर है ना, उसे गैस बर्नर के ऊपर रख दीजिएगा, जिससे कि जिसकी नमी है ना, वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे कितना भी बचाएं, लेकिन कुकर से पानी निकलता ही निकलता है, जिससे कि गैस स्लेब जो ना, वो तो गंदी होती है, उसके अलावा बहुत सारे नुकसान होते हैं, जो कि आपको पता ही होगा, साफ सफाई भी बढ़ जाती है। तो आप इस तरह से कोई सी भी प्लेट या ट्रे इसके नीचे रख सकते हैं, जिससे बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। तो होपफुली ये सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे, यदि पसंद आए हो तो भी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, आपने कहाँ से ये वीडियो देखा आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन जरूर कीजिएगा, यदि आपने यहाँ तक ये वाला वीडियो देखा है। होपफुली पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो फिर मैं बोल चुकी हूँ लाइक कर दीजिएगा, और अब बढ़ते हैं, अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।